और अभी खबर है कि वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर सीक्रेट सर्विस गार्ड्स ने एक मुश्तबा शख्स को गोली मार दी। मुलजिम मुमकिन तौर पर मुसल्ला था। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुश्तबा शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकई के बाद व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। Going to be, I mean, the way they're going, it looks like they're just about going to be topping records, hopefully soon. Excuse me? खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप मीडिया ब्रीफिंग में मसरूफ थे। उन्हें ब्रीफिंग के दौरान आगाह किया गया, वो ब्रीफिंग छोड़कर चले गए। खुफिया सर्विस के एजेंट डोनाल्ड ट्रंप को बाहर ले गए और वाकये के बारे में आगाह किया। चंद मिनट बाद सदर ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दोबारा आए और कहा कि वो फायरिंग से जख्मी शख्स को नहीं जानते, न उसके मकसद के बारे में इल्म है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, गिरफ्तार शख्स मुसल्लह था। उन्होंने कहा है कि वाकया व्हाइट हाउस के इहाते के बाहर पेश आया है और यह सिक्योरिटी की नाकामी नहीं। सदर ट्रंप ने अमेरिका की खुफिया सर्विस की तारीफ की है और कहा है कि ये बेहतरीन लोग हैं। सीक्रेट सर्विस के साथ वो खुद को बेहद महफूज समझते हैं। वाकये के बाद व्हाइट हाउस के बाहर पुलिस और खुफिया सर्विस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।